हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मसाला चना बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने चने पानी में भिगे दिए थे, यहाँ पे 12 घंटा यहाँ पे नाइट में ही हमने पानी में भिगे दिए। अभी सुबह है, नाश्ते में हम बना रहे हैं मसाला चना। तो इस तरह यहाँ पे 12 घंटा हमारे चने भीज के एकदम फूल गए हैं, ये देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे ये बारीक वाले जो हमारे देसी चने हैं। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, ये पानी तो हम निकाल देंगे और अच्छा पानी लेके यहाँ पर हम 4-5 कुकर में सीटी दिलाएंगे, 4 से 5 सीटी इसको दिला के और हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे अच्छा पानी हमने डाल दिया और कुकर में ये चने को और यहाँ पे रख दिया गैस पे। तो अब यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जो अंदर तक हमारे चने के अंदर तक चले जाएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच यहाँ पर नमक डाल दिया और थोड़ी सी यहाँ पे कलर देने के लिए हल्दी डालेंगे। हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी डालनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल किया। तो अब यहाँ पे ढक्कन लगा के और यहाँ पे 4 से 5 यहाँ पे सीटी हम लगवा लेंगे, अच्छे से इसको कुक कर लेंगे। तो चलो ढक्कन लगा देते हैं, गैस ऑन करके इसको सीटी लगवा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 सीटी चने के लग चुकी है और 1 सीटी हमारी लास्ट वाली भर रही है। तो यहाँ पे हम और ज़्यादा इसको सीटी नहीं लगवाएंगे, नहीं तो चना ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पे हम 1 लास्ट सीटी लगवा लेते हैं इसको ठंडा करने के लिए, छोड़ देते हैं गैस बंद कर देते। तो यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख दी है और यहाँ पे हमें सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो खाना पसंद करते हैं वही यहाँ पे तेल आप डाल सकते हैं। और चलो गैस हम ऑन कर देते हैं। तो गैस ऑन कर दिया, जब तक हमारा सरसों का तेल गर्म होता है जब तक बाकी मसाला भी तैयार कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं मसाले। तो यहाँ पे सबसे पहले जाएगी राई, राई डाल देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जीरा का डाल देते हैं और यहाँ पर हम जीरा का डाल दिया 1 छोटा चम्मच। अब यहाँ पर कटी हुई ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। तो 4-5 ग्रीन मिर्ची हमने बारीक बारीक कट कर ली और यहाँ पे इसको भी डाल दिया। तो अब यहाँ पे कटा हुआ बारीक बारीक प्याज कट करके, हमने 2 प्याज कट किए थे उसको भी यहाँ पे डाल देते और यहाँ पे लाइट इन गोल्डन आने तक इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, अच्छा सा कलर हमारे प्याज का चेंज हो जाए जब तक इसको इस तरह फ्राई कर ले। ये देखिए, तो यहाँ पे प्याज सुनहरा हो चुका है, ये देख सकते हैं कितना इसका अच्छा कलर आ गया प्याज में। और अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार जो मसाला हमने डाला था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने यहाँ पे चने के अंदर भी डाल दिया था तो ज़्यादा नमक नहीं डालना है। तो अब यहाँ पे हमने नमक डाल दिया और इसको मिक्स कर लेंगे प्याज के अंदर। तो अब नमक भी अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा सा यहाँ पे करिया पत्ता डालेंगे जो बहुत ही अच्छे इसका फ्लेवर आएगा हमारे जो चने में। तो यहाँ पे हमने बारीक इसको कट भी कर लिया है और यहाँ पे टुकड़ों में कट करके जो करिया पत्ता होता है, करी पत्ता वही हम मीठी नीम का तो डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, तो इस तरह आप जरूर डालें इसको हुए तो। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया। तो चलो यहाँ पे हमारे सीटी भी निकल चुकी है कुकर में से, ठंडा हो गया। तो इसका ढक्कन खोल के हम हमारे चने को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चना अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम चने को एक चना निकाल के आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो पानी है इसका उसको हम निकाल देंगे, उसको नहीं डालेंगे। और यहाँ पे जो चना है ये अच्छे से कुक हो चुका है, बहुत ही अच्छा है, कुक हो के तैयार हो गया। तो ये बाकी का पानी है उसको हम निकाल देंगे, ये देखिए ये पानी हम काम नहीं लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम पानी को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्याज एकदम ब्राउन कलर हो गया है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी जो करी पत्ता डाला था हमने, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब यहाँ पे प्याज बिल्कुल तैयार है और नहीं भुनाई करेंगे। तो अब यहाँ पे जो चने थे हमारे वो पानी यहाँ पे हमने निकाल दिया है और यहाँ पे सभी चने को इस तरह यहाँ पे डाल देना है मसाले के अंदर। ये चने की रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे ये मसाले चने आप घर में एक बार जरूर बनाइए। तो इस तरह हमने यहाँ पर चने निकाल दिए कुकर में से और यहाँ पर इस तरह मिक्स करते हुए इसको और 5-7 मिनट कुक करेंगे। तो यहाँ पर चने को हमने 3-4 मिनट ढक के अच्छे से पका लिया है, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पक गया है। तो अब यहाँ पर हमने तीखा नहीं डाला था कुछ भी, थोड़ा सा ग्रीन मिर्ची डाला था, उसके अलावा और कुछ नहीं डाला। तो थोड़ी सी यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर और ऐड कर देते हैं। अब इसको हमने मिक्स कर देना है इस तरह पूरे चने मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करके। और अब यहाँ पे चाट मसाला डालेंगे जो चने मसाले के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ये। तो इस तरह हमने चाट मसाला एक जो घर में ये जाने वाली छोटी चम्मच होती है, 1 चम्मच यहाँ पे ले लिया और इस तरह चने के चारों तरफ इस तरह ऊपर ने अच्छे से इसको डाल दें और इसको मिक्स कर लें। बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है, इसको हुए तो ज़रूर डालें, बिल्कुल भी स्किप ना करें।
तो यहाँ पे इस तरह डाल के हम मिक्स कर ले, बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मसाला बिल्कुल तैयार हो गया, यहाँ पे हमने जो चना मसाला बनाया था ये देखिए बिल्कुल चना मसाला तैयार है। तो अब यहाँ पे हम लास्ट में क्या डालेंगे, थोड़ा सा नींबू का रस, जो नींबू का रस हम खट्टे जो खट्टापन आएगा चटपटा सा खट्टा सा जो बहुत ही अच्छा लगेगा चना। तो इस तरह हमने यहाँ पे दो नींबू इस साइज के दो नींबू कट करके यहाँ पे इसका रस निकाल लिया और यहाँ पे हम चने के अंदर इस तरह डाल के और इसको मिक्स कर लेंगे। आपके पास नींबू नहीं है तो यहाँ पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, अमचूर पाउडर नहीं है तो यहाँ पे आप इमली का रस भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। तो इस तरह हमने मिक्स कर दिया। तो अब यहाँ पे लास्ट में डालेंगे धनिया की ग्रीन पत्तियाँ जो हमने कट करके रख लिया और ग्रीन पत्तियाँ इस तरह छिड़क दे ऊपर और इसको कर ले यहाँ पे मिक्स। और यहाँ पे चलो मिक्स कर लेते हैं, इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मसाला चना बिल्कुल तैयार हो गया और ये चटपटा सा ढाबा स्टाइल में गर्मा गर्म हमने सर्व कर दिया है। और इस तरह आप भी घर में ये मसाला चना जरूर बनाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यकीन मानिए छोटे से लेके बड़े इसको खाना पसंद करेंगे, एक बार आपने बना लिया तो आप बार बार आप बना के तैयार करोगे इसको। तो इस तरह यहाँ पे हमने बना के तैयार किया, आप भी जरूर बना के तैयार करिए। अगली रेसिपी किस पे चाहिए वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।